आगरा में एक बार फिर से जैन प्रीमियर लीग शुरू हो गई है, जिसमें जैन समाज के युवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, वरिष्ठ पत्रकार समीर कुरैशी ने भाग लिया। टूर्नामेंट से पहले मंत्री ने सभी खिलाड़ियों का परिचय जाना, उसके बाद खुद पिच पर खड़े होकर चौके छक्के लगाए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार समीर कुरैशी ने भी स्टेडियम की क्रिकेट पिच पर हाथ आजमाया और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बॉल डाली तो पत्रकार समीर कुरैशी ने चौके छक्के लगाए। जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 का फाइनल 8 जनवरी को स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मंत्री बघेल ने टीम की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आज के समय में स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रवि अरोरा के माध्यम से किया गया है, जो कि सराहनीय है। इससे युवाओं के लिए आगे का रास्ता साफ होगा और स्पोर्ट्स में युवा आगे बढ़ सकेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार समीर कुरैशी ने कहा कि इस तरह के आयोजन रवि अरोरा के द्वारा कराए जाते हैं सराहनीय हैं। जैन क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से युवाओं को नई पहचान मिलेगी, इससे युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होगा। रवि अरोरा ने बताया कि हर साल इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है, इस बार भी कराया गया है, जिसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2023 से हुई थी और फाइनल 8 जनवरी को खेला जाएगा। वहीं जीतने वाली टीम को नगद धनराशि के साथ उपहार दिए जाएंगे। जो टीम दूसरे नंबर पर होगी उसे प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। इस दौरान संदीप जैन, गोल्डी जैन, अंकुश जैन, बंटी जैन, अमित जैन, प्रवीण जैन, दीपक जैन, मुरारी लाल जैन, रोहित जैन, सोनू जैन के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। ये जैन समाज का मैच चल रहा है, सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आज मेरे बीच में मेरे बड़े भाई सांसद एसपी सिंह बघेल जी आए हैं, मैं उनका दिल से और जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन एकलव्य स्टेडियम आगरा में कर रहे हैं, जिसको जैन समाज का संगठन कर रहे हैं, और लगभग 20-22 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा और बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ये खिलाड़ी हैं, जब अनटचेबिलिटी एक्ट नहीं था तो भी एक बाल्टी में डले हुए एक मग्गे से वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक पानी पी लिया करता था, तो वहाँ अस्पृश्यता नहीं थी। खिलाड़ी बहुत समय से पहले बहुत एडवांस सोच के लोग रखते हैं। और एक खिलाड़ी में दो बातें हम लोगों से अलग होती हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप। तो ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो दलगत राजनीति से उठकर राजनीति को करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक खिलाड़ी भावना रहता है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में ये कहावत पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पहली बार आज़ादी के 70 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा खेलो इंडिया, नहीं तो कहा था पढ़ो इंडिया। हमें अपना बचपन याद आ रहा है कि हम खेलने जाते थे तो छिप के जाते थे, ट्यूशन की कह करके एक जोड़ी कपड़े रहते थे एक दोस्त के यहाँ, स्कूल ड्रेस में जाते थे, वहाँ कपड़े बदलते थे, खेल के आते थे, बताते नहीं थे कि खेल के आए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक 5 साल, बल्कि 5 महीने ज़्यादा कह दिया, 3.5-4 साल के बच्चे को उसकी माँ मेट्रोज में खासतौर से ग्राउंड पे ले जाती है और किसी कोचिंग कराती है। आने वाले युवाओं से क्या खेलना चाहिए? आने वाले युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ईट राइट इंडिया, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन पास्ता मोमोज और कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट वाली पीढ़ी पैदा हो रही है, जो कुपोषित कम हो ओबेसिटी ज़्यादा है, तो फिट रहें। फिट इंडिया, अगर हम फिट रहेंगे तो समाज फिट होगा तो देश फिट होगा। तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी काया रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन क्रिकेट में नहीं, आज हम हर गेम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ओलंपिक में भी मेडल ले रहे हैं, हम वर्ल्ड कप में भी ले रहे हैं, हम कॉमनवेल्थ में भी ले रहे हैं, हम एशियाड में ले रहे हैं, हम पैरा ओलंपिक में भी ले रहे हैं। उस ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारी लड़कियां दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, वेरी गुड हॉकी, वेरी गुड बैडमिंटन, वेरी गुड इन एथलेटिक्स। तो जो लड़कियों को पढ़ने खेलने से वंचित आधी आबादी को सदियों से रखा गया था वो भी आजकल आगे आ रही हैं, और आगरा की बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही हैं। आगरा के बच्चे इंडिया भी खेल गए और आईपीएल भी खेल रहे हैं,
चाहता हूं कि एक स्पोर्ट्स का हब भी आगरा में रहे। ये हमारे जैन समाज का जो आज से नहीं करीब 15-20 साल से हो रहा है वो टूर्नामेंट और वार्षिक खेलकूद है। इसमें अभी तक हमारे टूर्नामेंट हो रहे थे क्रिकेट के, और 7 और 8 तारीख को हमारा खेलकूद होने हैं जिसमें बच्चों की दौड़, म्यूजिकल चेयर्स वगैरह है, और इसका 8 तारीख को समापन है। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आज सांसद जी एसपी सिंह बघेल जी यहाँ पर आए हैं और अपना कीमती समय दिया है, बच्चों का हौसला उपजाए किया हुआ है, और सब उन्होंने उनका यहाँ पर आना बहुत बढ़िया है। इस मैच में लगभग 14 टीमें खेल रही हैं, जो कि 18 दिन से जो मैच चल रहे हैं 14 टीमें जो भाग जिन्होंने 14 टीमों ने भाग लिया हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। इसका समापन 8 तारीख को होगा। हर साल की तरह इस साल भी उनका धन्यवाद दूंगा। वहीं जो जितने पदाधिकारी हैं जिन्होंने एक शानदार और जानदार आयोजन किया है, ख़ासकर 21 दिवसीय पहला ऐसा टूर्नामेंट जो कि उत्तर प्रदेश में शायद लगातार हो रहा है, वरना 21 दिन से पहले वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो जाता है। और इन लोगों को मैं एक सजेशन भी दूंगा कि अगले वर्ष अगर, जैसे सांसद जी ने भी कहा कि अगर हो जाए तो सब समाज को लेकर चलें तो और भी बेहतर रहेगा।